नमस्कार, द डॉग हेल्थ पर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे पीलिया या जॉन्डिस के बारे में। दोस्तों, पीलिया या जॉन्डिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सुल्तानिया सर। डॉक्टर सुरेंद्र सर हमें बताएंगे कि पीलिया या जॉन्डिस के क्या कारण होते हैं, ये कैसे डेवलप होता है और इसकी गंभीरता को पता लगाने के लिए कौन सी जांचों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे इसका इलाज करा जाता है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर सुरेंद्र सुल्तानिया सर के साथ। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सुल्तानिया है, मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और जयपुर में कार्यरत हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि पीलिया क्या होता है। पीलिया कोई बीमारी नहीं है, पीलिया एक तरह का सिम्टम्स है, एक तरह का लक्षण है। यह हमारे शरीर के अंग में पनप रही किसी बीमारी का एक संकेत होता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे शरीर के किसी अंग में कुछ प्रॉब्लम है। पीलिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारे स्किन और जो आँखें, उसका जो सफ़ेद पार्ट होता है, उसके अंदर बिलरुबिन नाम का पदार्थ होता है, वो जम जाता है, जिससे वो पीली लगने लग जाती है। तो पीलिया के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में किसी भी एज में हो सकता है। दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि ये जो बिलरुबिन नाम का जो प्रोडक्ट होता है, वो हमारे ब्लड में 1 मिलीग्राम का लेवल में नॉर्मल रूप में पाया जाता है, पर जैसे ही इसका स्तर 2 मिलीग्राम से बढ़ जाता है तो ये पीलिया के रूप में हमको दिखाई देता है। अब उसके बाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिलरुबिन नाम का प्रोडक्ट आता कहाँ से है और ये पीलिया का कारण क्यों बनता है। नॉर्मल रूप में जब हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त की कणिकाएं होती हैं, वो जब अपना नॉर्मल लाइफ साइकिल पूरा करती हैं, उसके बाद में उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो टूटने लगता है और टूटने के बाद में वो बिलरुबिन बनाता है। ये बिलरुबिन हमारे लीवर प्रोसेस करता है और वो लीवर उसको प्रोसेस करने के बाद में ये उसको एक्सक्रीट करता है और ये सोच और पेशाब के जरिए हमारे शरीर के से बाहर निकाल देता है। किसी भी कारण से या किसी भी बीमारी से जब ये बिलरुबिन का स्तर हमारे शरीर के ब्लड में बढ़ने लग जाए तो ये स्किन और आँखों में के सफ़ेद पार्ट में जमा होने लगता है और उनका कलर पीला होने लगता है और ये पीलिए के रूप में हमारे सामने आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पीलिए के कारणों के बारे में। तो पीलिए के जो कारण होते हैं उनको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग तो ये होता है जिसके अंदर जो बीमारी जो अपने लीवर को डायरेक्टली डैमेज करती है, और दूसरी ऐसी बीमारियों का ग्रुप है जो लीवर के बाहर होते हैं। लीवर को डैमेज करने वाली बीमारियां जो पीलिए का कारण बनती हैं, उनमें से सबसे कॉमन तो है वायरल हेपेटाइटिस, यानी वायरस के कारण पीलिए लीवर के अंदर सूजन आ जाना। जो जिन वायरसेस के कारण ये जो वायरल हेपेटाइटिस सबसे कॉमन होती है, उनमें से है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होती है वो दूषित पानी पीने से होती है, और दूषित पानी पीने के कुछ दिनों बाद मरीज में इनके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस जिससे संक्रमित व्यक्ति के सोच और पेशाब के जरिए शरीर से बाहर आते हैं, और जब इन संक्रमित व्यक्ति के सोच और पेशाब किसी पीने के पानी के स्रोत को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ से ये वायरस जो उस पीने के पानी के स्रोत को यूज कर रहा है उस व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं और उसके अंदर हेपेटाइटिस ए और ई की बीमारी कर देते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूड, सीमन या ब्लड के द्वारा फैलते हैं। जब कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करे या उसकी सिरिंज को यूज करे, या गर्भवती महिला से उसके बच्चे के अंदर भी जा सकता है। वायरल हेपेटाइटिस के जो लक्षण आते हैं वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि किस तरह के वायरस ने उसको इन्फेक्शन दिया है, मरीज़ की सामान्य हेल्थ कैसी है, मरीज़ की उम्र क्या है, मरीज़ की प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, मरीज़ के अंदर और कोई कोमोरबिडिटीज जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या ये बीमारियाँ तो नहीं हैं। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद लीवर में मल्टीप्लाई करने लग जाता है, मरीज़ के अंदर शुरुआती लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि भी मरीज़ को भूख कम लगना, उल्टी आना, जी घबराना, मांसपेशियों में दर्द करना, कमजोरी लगना। जैसे जैसे वायरस और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है तो वो लीवर को ज़्यादा डैमेज करता है, तब पीलिया आना शुरू हो जाता है, पेशाब का रंग पीला होना शुरू हो जाता है और लीवर में सूजन आ जाती है।
जैसे जैसे बीमारी ठीक होने लगती है तो वायरस का लेवल कम होने लगता है, वायरस का लेवल कम होने के बाद में पीलिया इम्प्रूव होने लगता है, भूख लगनी शुरू हो जाती है, उल्टी और बुखार भी ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस ए और ई के जो बीमारी होती है वो यूजली गंभीर बीमारी नहीं करती है, ये यूजली 1 से 2 महीने में ठीक हो जाती है। पर हेपेटाइटिस ई अगर गर्भवती महिला के अंदर हो तो ये कई बार गंभीर बीमारी भी कर देती है। हेपेटाइटिस बी एंड सी यूजुअली लीवर को क्रोनिकली इन्फेक्टेड करते हैं, ये लीवर के इन्फेक्शन को जल्दी से छोड़ते नहीं है। अगर इनका इलाज समय पर नहीं किया जाए तो ये सिरोसिस ऑफ लीवर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कर देते हैं। दोस्तों आओ अब उन कारणों के बारे में बात करते हैं जो लीवर के बाहर होते हैं। जो लीवर के बाहर के कारणों में सबसे कॉमन कारण है वो पित्त की नली की रुकावट। पित्त की नली में रुकावट 2 कारणों से हो सकती है, या तो पथरी के कारण रुकावट हो, या कैंसर या सिकुड़न के कारण रुकावट हो। यूजुअली गाल ब्लैडर के अंदर जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है पथरी बननी शुरू हो जाती है, और वो पथरी कई बार गाल ब्लैडर से निकल के बाहर पित्त की नली में आ जाती है और वो रुकावट पैदा कर जाती है जिससे पीलिया बन जाता है। गांठ के अंदर जैसे पेंक्रियाज की का कैंसर हो, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, या पित्त की नली का कैंसर हो, ये कैंसर भी पित्त की नली की में रुकावट पैदा कर देते हैं और ये पीलिया का कारण बनते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो लीवर के बाहर होते हैं और पीलिया का कारण बनते हैं। दोस्तों अब मैं आपको समझाना चाहूंगा पित्त की नली की रुकावट से पीलिया कैसे बन जाता है। नॉर्मली लीवर में पित्त बनता है, वो लीवर से पित्त निकल के पित्त की नली में से होता हुआ गॉल ब्लैडर के अंदर आता है। जैसे ही हम नॉर्मल खाना खाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाते हैं और वो पित्त की नली से पित्त हमारे छोटी आंत के अंदर आता है। जब पित्त की नली में कोई रुकावट पैदा हो जाती है तो ये जो पित्त लीवर से निकल कर छोटी आंत में जाता है वो रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। तो उस अवरुद्ध रास्ते के कारण पित्त जो वापस लीवर के थ्रू होता हुआ हमारे ब्लड में जाता है और उस पित्त के कारण हमारे शरीर के अंदर बिलरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और वो पीलिया कर देता है। इन बीमारियों में मरीज के शरीर में पीलिया के अलावा और भी कुछ लक्षण आते हैं, जैसे पेट दर्द होना, भूख कम लगना, वजन कम हो जाना, बुखार आना, खून की कमी हो जाना। दूसरी बीमारियां जिनमें भी पीलिया हो जाता है उनमें से कुछ है जैसे हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त की कणिकाएं हो जाती हैं वो ज़्यादा मात्रा में टूटने लग जाती है। जब वो ज़्यादा मात्रा में टूटती हैं तो रक्त के अंदर बिलरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और लीवर उनको प्रोसेस नहीं कर पाता। तो लीवर जब पूरा प्रोसेस नहीं कर पाता तो ये बिलरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हमारे शरीर के स्किन और आँखों के सफ़ेद पार्ट में जमा होकर पीलिया कर देता है। इन बीमारियों में कॉमन है सिकल सेल एनीमिया, G6PD डिफिशेंसी, अदर्स हीमोलिटिक एनीमिया। इन बीमारियों में मरीज के अंदर पीलिया के अलावा और भी लक्षण आते हैं जो इन बीमारियों के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि भाई शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की जब कमी हो जाती है तो मरीज जल्दी थकने लग जाता है, उसको चक्कर भी आ सकते हैं और उसको कभी कभी उसकी दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मरीज को कभी कभी अपने को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। अन्य कारणों में एक गिल्बर्ट सिंड्रोम नाम की बीमारी भी एक पीलिया का महत्वपूर्ण कारण है। इस बीमारी के अंदर मरीज को केवल और केवल पीलिया होता है और कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो फैमिली में चलती भी आती है। तो इस बीमारी के अंदर मरीज को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, पर इसके अंदर मरीज को यह समझना चाहिए अगर उसको गिल्बर्ट सिंड्रोम है तो ये बीमारी उसके उम्र भर के साथ रहेगी पर उसको कोई नुकसान नहीं करेगी। दोस्तों अगर आपको या आपके घर में किसी को भी ये पीलिया के लक्षण अगर आ रहे हैं तो हमको तुरंत ही पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। जैसे ही हम किसी डॉक्टर या पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं तो वो पीलिया का कारण क्या है या पीलिया की गंभीरता क्या है तो वो देखने के लिए कुछ जाँचें कराते हैं। उन जाँचों में सबसे कॉमन है कम्प्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज। कुछ एडवांस टेस्ट भी किए जा सकते हैं, उन टेस्टों के अंदर कॉमन है पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का सीटी स्कैन या पेट की MRI। आइए हम अब पीलिया के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। पीलिया का जो इलाज है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कारण क्या है और मरीज की कंडीशन क्या है। काफ़ी केसेज में तो पीलिया का इलाज घर पर भी किया जा सकता है और कुछ कुछ केसेज में अपने को एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ती है। वायरल हेपेटाइटिस जो सबसे ज़्यादा कॉमन हेपेटाइटिस ए और ई के कारण होता है, काफ़ी बार तो उसका इलाज अपन घर पर ही कर पाते हैं। कुछ कुछ केसेज जिसमें भर्ती की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर यूजुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं,
जैसे आईवी फ्लूड दिया जिससे शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो, एंटीमेटिक्स दवाइयाँ देते हैं जिससे जो वॉमिटिंग कम हो जाए। हेपेटाइटिस बी एंड सी के कुछ कुछ मरीजों में काफ़ी बार अपने को एंटीवायरल दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेनोफोविर, एंटेकावीर, सोफोस्फोविर, वेलपाटासविर। ये हेपेटाइटिस वायरस से अपने लीवर के अंदर हो रहे डैमेज को कम करती हैं। हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन भी अवेलेबल है, इससे नॉर्मल आदमी के अंदर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन रोकने में मदद मिलती है, पर अभी तक हेपेटाइटिस सी की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जब कभी लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो दवाइयों से उस बीमारी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो ऐसी कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। इसके अंदर नॉर्मल आदमी के लीवर के कुछ पार्ट को संक्रमित या बीमार व्यक्ति के शरीर के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है। कभी कभी पीलिए के साथ मरीज को बेहोशी आना, कन्फ्यूजन होना, ज़्यादा नींद आना, पेट में सूजन आना, खून की उल्टी होना, ये कंडीशंस भी डेवलप हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन जब डेवलप होती हैं जब लीवर बहुत जल्दी से ख़राब होना शुरू होता है, ऐसी कंडीशन को एक्यूट लीवर फेल्योर कहते हैं। एक्यूट लीवर फेल्योर के महत्वपूर्ण कारणों में से सबसे इम्पोर्टेंट कारण है दवाई का ओवरडोज होना, वायरल इन्फेक्शंस होना। हर्बल प्रोडक्ट भी इसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। ऐसे मरीज में अगर उसको प्रॉपर इलाज मिल जाए उसका जीवन भी बचाया जा सकता है। दोस्तों, मैं अब आपको पीलिए से जुड़े हुए कुछ अंधविश्वासों के बारे में सावधान करना चाहूँगा, जिससे आप अपना या अपने घर में किसी और व्यक्ति को जब कभी पीलिया हो तो उसका उचित तरीके से इलाज करा सकें। अक्सर ये माना जाता है कि पीलिया होने पर मरीज को पीली चीज़ नहीं खानी चाहिए, पर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मरीज को हम हर तरीके की फल सब्जी, पौष्टिक आहार और हर तरीके का खाना खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि पीलिए के झाड़े के चक्करों में न पड़े, सीधे विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी बताई हुई दवाइयों का सेवन करें। कोई भी हर्बल मेडिसिन या सप्लीमेंट बिना डॉक्टरी सलाह के न लें। शराब या धूम्रपान का सेवन बिल्कुल बंद करें। ऐसी धारणा है कि पीलिए के मरीज को कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए काफ़ी बार लोग उसको केवल रसगुल्ला ही ज़्यादा खिलाते हैं, पर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मरीज को प्रोटीन और अन्य पौष्टिक तत्वों से भरपूर डाइट का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि आप पीलिया होने से कैसे बच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप शराब का सेवन ना करें। नंबर दो बात है, बिना प्रोटेक्शन के सेक्स ना करें। हेपेटाइटिस की वैक्सीन समय पर लें। कोई भी हर्बल मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि इसके अंदर लेड भी हो सकता है जो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। नीडल, सिरिंज, शेविंग ब्लेड और तौलिए को शेयर ना करें। साफ खाना खाएं, साफ पानी पिएं एवं हाइजीन मेंटेन करें। दोस्तों, अब मेरा संदेश ये है कि आप पीलिए को नज़रअंदाज न करें। ये सिंपल लीवर की सूजन जो वायरल हेपेटाइटिस में होती है से लेकर लीवर के कैंसर तक की बीमारी का लक्षण हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पीलिए के बारे में आपकी सभी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करेगा। आप पेट, आंत एंड लीवर से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए आप जयपुर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे साथ थे जयपुर के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत, लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सुल्तानिया सर, जिन्होंने हमें बताया कि जॉन्डिस या पीलिया के क्या कारण होते हैं, किन जांचों से इसकी गंभीरता का पता लगाया जाता है और पीलिया का इलाज कैसे करा जाता है। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।